अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मैं हबीबा और मैं आज आपको हेवेंस के बारे में बताऊंगी जो मिस्टर फैसल रन कर रहे हैं, ट्रैवल एंड टूर गाइड कंपनी। सो इन्होंने हमारे बजट के हिसाब से हमारा प्लान जो है मैनेज किया, बहुत ज़बरदस्त हमारी डेस्टिनेशन सेट की। तो ये लिस्ट में जो आप देख रहे हैं, हमारा 10 डेज़ का टूर था, 8 डेज़ हमारा ये सारा प्लान था और 2 दिन हमें वापसी में ट्रेन में आने में लगे। आइए चलते हैं, अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। हम जा रहे हैं जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रश हमें काफ़ी मिला क्योंकि फ्राइडे का दिन है, जुम्मे की नमाज़ की वजह से ऑफ होता है। तो जल्दी जल्दी में हमें पहुंचना है, सिर्फ आधा घंटा रह गया है। अभी हमें सारी लगेज की चेकिंग वगैरह बोर्डिंग वगैरह करनी है, तो हम जल्दी जल्दी अंदर जा रहे हैं। इस वक्त वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं, हमारा कुछ क्रेडिट कार्ड का इशू आ गया था और अब हम प्लेन की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जस्ट 15 मिनट्स जो हैं इस वक्त बाकी हैं घड़ी में, आप देखें 1:15 हुआ है और 1 बजे फ्लाइट जो है टेक ऑफ कर जाएगी। अब देखते हैं कैसा मेरा ट्रैवल रहेगा, मैं एंड में आपको बताऊंगी। बहुत ज़बरदस्त जो है ये फ़्लाइट थी, कोई किसी तरह का इनकन्वीनियंस नहीं था। हाई एयर ट्रैवल एक्चुअली हमने इसलिए किया ताकि हमारे पास टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हो और हम पहले ही ट्रैवल में ना थक जाएँ, क्योंकि कराची टू पेशावर का बहुत लंबा डिस्टेंस था। तो हमने फ़्लाइट ली जो कि 2 आवर्स की थी। पहली बात ये कि हमने सरीन एयरलाइन इसलिए चूज़ की कि उसकी ऑन टाइम जो है फ़्लाइट्स होती हैं। हम जब एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे तो वहाँ एयर ब्लू और PIA के पैसेंजर्स जो हैं लड़ रहे थे बाकायदा मैनेजमेंट से, क्योंकि उनकी फ़्लाइट जो हैं कैंसल्ड हो गई थी और उनकी ओवरऑल टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त थी सरीन की। एक्सेप्ट 1:00 पर उनका प्लेन जो है टेक ऑफ कर गया था और एग्जैक्ट 1 आवर 40 मिनट्स में हम पेशावर के करीब थे और उसने अप्रॉक्स 2:10 पहले टेक ऑफ कर लैंड कर दिया था। कराची से इस्लामाबाद एंड कराची टू पेशावर सेम डिस्टेंस है, एग्जैक्ट 22 आवर्स का है। तो हमें जाना तो पहले इस्लामाबाद ही था, बट इस्लामाबाद की फ़्लाइट जो हैं वो हायर रेट्स पर थी और टिकट्स अवेलेबल भी नहीं थी एज इस्लामाबाद इज़ कैपिटल, तो इसलिए हमने पेशावर सेलेक्ट किया। और फिर प्लान ये हुआ कि पहले पेशावर और पूरा KP के देखते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे, लाइक एबटाबाद एंडिया होते हुए टू इस्लामाबाद। एंड पेशावर से इस्लामाबाद का बीच में मोटरवे भी बन गया है, तो 2 आवर्स का डिस्टेंस है। तो अगर आप लोग उस KPK डिस्कवर नहीं करना, जस्ट आप अयोध्या नारायण कमान जाना चाहते हैं, तो आप वापस पेशावर से कोई बस वगैरह लेके और जा सकते हैं। ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये बहुत ज़बरदस्त व्यू है, इसमें मुझे बचपन की अपनी फीलिंग्स आ गई बिल्कुल, जब हम कार्टून देखते थे तो उसमें जो हेवन का सीन दिखा रहे थे, तो मुझे इस वक्त ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ से कोई यूनिकॉर्न निकल के आएगा या कोई एंजल आएगा, इस तरह का है सीन। और ये कोई नीचे पता नहीं लेक है या रिवर है, नाम मुझे भी नहीं पता। डे फ्लाइट का यही फ़ायदा है, आप आराम से नीचे के नज़ारे करते हुए जाएँ अगर वेदर अच्छा हो तो, और क्लाउड्स वगैरह ज़्यादा ना हो, तो एक बड़ा ही मज़ेदार आपको मंजर देखने में मिलेगा। जहाँ तक फूड की बात है, ये इन्होंने हमें एग्जैक्ट 1:30 बाद 1:30 बजे तकरीबन ये लंच दिया था और बड़ा टेस्टी था, हर चीज़ बैलेंस थी। कीमा है, राइस है, वेजिटेबल्स, सैलड, जूसेस थे, ड्रिंक थी, रायता, कपकेक्स वगैरह, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ हमारा खाने का। जैसा कि PIA का सुनने में आता है कि उनका अक्सर फूड जो है ख़राब होता है या फंगस निकला हुआ ब्रेड होता है, तो ऐसा कोई सीन नहीं था, बिल्कुल फ्रेश फूड था। लैंड करने से थोड़ी देर पहले इन लोगों ने हमें कमेंट कार्ड दिया और वो हमने बहुत अच्छे गुड रिमार्क्स के साथ, बल्कि एक्सलेंट रिमार्क्स के साथ फिल किया, क्योंकि ओवरऑल सर्विस बहुत अच्छी थी, फ़्लाइट बहुत स्मूथ रही, कोई किसी तरह का कोई भी मसला नहीं हुआ। एक कॉल पे लोग हर चीज़ हमारे मसले इन्होंने सॉल्व किए। तो जनाब, इंतज़ार की घड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं और अब जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी वो डे 1, डे 2, डे 3 के हिसाब से मेरी
ट्रैवल डिटेल वीडियोज़ आएंगी। ये जो सारी दो तीन वीडियोज़ मैंने बताई थी, ये प्री ट्रैवल वीडियोज़ थी, सारी इन्फॉर्मेशन बैकपैक रिलेटेड और एयरलाइन रिलेटेड ये सब थी, और किस तरह हमने अपना प्लान जो है वो मैनेज किया। तो जनाब, हम जस्ट पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, और सामान वगैरह लेके हम एग्जैक्ट 3 बजे और हम बाहर आ गए थे एयरपोर्ट से, ठीक है। तो अगर आप लोग भी अपना ट्रैवल बेहतरीन बनाना चाहते हैं और अपने बजट फ्रेंडली सेट करना चाहते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, तो आप हेवन से कांटेक्ट कर सकते हैं।